हेलो फ्रेंड्स, कूट कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये खूबसूरत सा झरना आपके लड्डू गोपाल के लिए, जो कि घर में बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक की प्लेट, इसकी जगह आप कोई प्लास्टिक का ढक्कन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, किनारे पर थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें निशान लगाने हैं। इन निशान पर हमें होल्स बनाने हैं। होल्स बनाने के लिए आप कोई इलेक्ट्रिक मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सलाई को गर्म करके यहाँ पर उससे ये होल्स बनाए हैं। ये देखिए, एक होल यहाँ पर किया हुआ है और एक होल मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसी तरह पूरी सर्कमफ्रेंस पर हम ऐसे ही होल्स बना लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए प्लास्टिक की एक खाली बोतल। ये देखिए, ये जूस की एक बोतल है मेरे पास। इसके ढक्कन के का मेज़रमेंट लेकर यहाँ पर हमने बीचों बीच एक सर्कल जो है वो काट लिया है। और इसके बाद इस प्लेट को हम इस बोतल के अंदर, ये देखिए, इस तरीके से हम इसको इसमें फंसाएंगे। एक बार जब आपका ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए, तो यहाँ पर देखिए, ये मैं ग्लू गन की हेल्प से इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सील कर रही हूँ, ताकि जब हम पानी इसमें डालें तो पानी की एक भी बूंद जो है वो बाहर ना गिरे। ये काम आप एम सील की हेल्प से भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमें पीछे की तरफ भी इस पर ग्लू गन से इसको पूरे अच्छे तरीके से सील कर देना है। और ये देखिए, बॉटल में नीचे की तरफ एक दो इंच छोड़ के उसके ऊपर मैंने एक दो इंच के लंबा प्लास्टिक का एक पाइप फंसाया है। ये थोड़ा हार्ड पाइप है, और उसको भी फिर हम इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से पूरा सील कर देंगे, ताकि पानी की कोई भी बूंद बाहर ना निकले, वो अंदर ही पूरा जो हमारा प्रोसीजर है वो अच्छे तरीके से काम करे। इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पर एम सील भी लगा सकते हैं, या फिर आप ग्लू गन को अच्छे तरीके से यहाँ पर मेल्ट करके लगा देंगे तो उससे भी ये काफ़ी अच्छा सील हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये छोटा पाइप लगा लिया, नीचे हमारी बॉटल है और ऊपर हमारी प्लास्टिक की प्लेट है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्म के फ्लावर्स लिए हैं। इस पूरे झरने को बनाने के लिए हम जो भी चीज़ यूज़ करेंगे, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो पानी में जाके ख़राब हो जाए। फॉर्म के फ्लावर्स पानी में बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देखिए, अपनी मनपसंद का आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन में इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि इसके आगे मैं अपने लड्डू गोपाल को बैठाने वाली हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा गोल्डन कलर का फ्लावर लगा दिया है, और उसके नीचे सिल्वर कलर की लेस को मैं इस तरीके से चिपका रही हूँ। ध्यान रखें, कोई भी लेस फैब्रिक की या फिर ऐसी कागज़ की ना हो। यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं कर रही हूँ जो पानी में जाके ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, इसको भी हमने अच्छी तरीके से इस पर चिपका दिया। अब हम अपनी प्लेट को डेकोरेट करेंगे। प्लेट को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल पत्तियों का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास सामान अवेलेबल हो उसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, पूरी प्लेट को मैंने पत्तियों से डेकोरेट कर दिया, और अब इस पर थोड़ी थोड़ी दूर पर मैं यही फॉर्म के फ्लावर्स जो हैं वो चिपका रही हूँ। आप चाहें तो ना भी चिपकाएं, पर यहाँ पर मुझे चिपका के ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये हमने अपना ये डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, बस इतना ही किया है। और नीचे के लिए, बेस के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ परात। अगर आपके पास कोई थोड़ी गहरी प्लेट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस पर भी मैंने चारों तरफ जो है फ्लावर्स जो हैं वो चिपका लिए हैं। अब हम इस पूरे अरेंजमेंट को, यानी कि बॉटल और प्लेट को, इस परात के अंदर जो है चिपका देंगे ग्लू गन की हेल्प से। और ऊपर से जहाँ पर इसका बॉटल का मुंह खुला हुआ है, वहाँ से हम थोड़े से स्टोन्स डाल देंगे, ताकि जब हम इसको डालें, या मतलब इसमें पानी डालें, तो ये बिल्कुल स्टिफ रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। अब यहाँ पर मैं ये मोटर यूज़ कर रही हूँ। ये मोटर जो है कूलर के अंदर यूज़ कर की जाती है, सबमर्सिबल पम्प बोलते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए, एक पाइप हमें लेना होगा जो इसके आगे की तरफ बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। और पाइप के दूसरे हिस्से को हम, जो बॉटल में हमने नीचे, ये देखिए, ये जो ये वाला जो हमने पाइप लगाया था, इस वाले पाइप में हम इसको लगा देंगे। और उसके बाद हम अपनी मोटर को इसके अंदर रखेंगे। ये देखिए, नीचे वाला जो इसका खुला हुआ हिस्सा है उसको नीचे रखेंगे, वहीं से पानी जो है ऊपर जाएगा। अब हम इसमें पानी भरते हैं। ये देखिए, पूरी परात को मैंने ऊपर तक पानी से भर दिया है। पानी से भरने के बाद अब हम इसको चला कर देखेंगे। मैंने स्विच ऑन किया है, और ये देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसमें झरना जो है मेरा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपने लड्डू गोपाल को बैठाएंगे। लड्डू गोपाल को बैठाने के लिए मैंने आगे उनके इस झरने के आगे एक छोटी सी चौकी रखी है, और उस पर अपने लड्डू गोपाल को बैठा दिया है। अब हम फिर से जो है इसका स्विच ऑन करेंगे, और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर अपने लड्डू गोपाल जी को इतनी सड़ी हुई गर्मी में
एक अच्छा सा शावर दे सकते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम इसमें इसीलिए नहीं किया है ताकि आप आराम से इसको बना सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा और डेकोरेट आप ऐसे कर सकते हैं। परांठे के पानी में अलग अलग तरीके के मैंने फ्लावर्स डाले हैं और पाइप और मोटर पर भी मैंने थोड़ी सी आर्टिफिशियल पत्तियां लगा दी हैं। और अब हम इसका स्विच ऑन करते हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत ये झरना हमारा लग रहा है, इतना सुंदर नज़ारा है। देख के मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर में हूँ, ऐसा लगता है कि मैं कहीं पहाड़ों पर हूँ और बस भगवान कृष्ण को देख रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर बनाइए और मेरे साथ मेरे फेसबुक के कुक कला पेज पर या इंस्टाग्राम पर शेयर करिए। और आप मेरे वीडियोज़ में और क्या क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहें। फिर मिलेंगे, बाय।